हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वो बहुत ही कमाल की न्यूज लेकर आया हूँ गाइस। जी हाँ गाइस, एक नहीं दो कमाल की न्यूज लेकर आया हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली न्यूज के बारे में। पहली न्यूज आ रही है मनी रत्नम सर की मूवी पोनियन सेल्वन को लेकर। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपको पता है PS1 एक कमाल की मूवी थी, जिसकी कास्ट में हमें विक्रम, जयम रवि, कार्ती, ऐश्वर्या राय, त्रिशा और बहुत सारे एक्टर देखने को मिले थे, जो कि 30 सितंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम में रिलीज हुई थी। ये बहुत बड़े बजट वाली फिल्म थी। इसका बजट लगभग 500 करोड़ के आसपास था, जो कि फिल्म को देखकर पता चलता है। इस फिल्म के VFX बहुत कमाल के थे। काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया गया है VFX पर और ये मनी रत्नम सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। जी हाँ गाइस, मेकर्स ने ऑफिशियली इसकी रिलीज डेट को अनाउंस किया है, जो कि 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी ये फिल्म। जी हाँ गाइस, PS1 तो काफ़ी अच्छी मूवी थी, तो देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट कैसा होगा। उम्मीद है ये फिल्म भी काफ़ी अच्छा करेगी। तो अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है रवि तेजा सर की आने वाली न्यू मूवी वॉल्टियर वॉरियर से। जी हाँ गाइस, वॉल्टियर वॉरियर, जिसमें हमें चिरंजीवी और रवि तेजा सर नज़र आएंगे। रवि तेजा सर की पिछली मूवीज धमाका, जो अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। उसकी स्टोरी 2010 में जैसे मूवीज आती थी वैसी थी बिल्कुल, जो कुछ रवि तेजा टाइप की मूवी थी, जैसे आप देखते हैं पहले रवि तेजा सर की मूवीज जितनी भी आई हैं उसके टाइप की थी, मतलब एक डिसेंट मूवी थी। और अब उनकी ये मूवी वॉल्टियर वॉरियर अब रिलीज होने वाली है 13 जनवरी को। जी हाँ गाइस, इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकी है। अगले साल की नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट फिल्म होगी, फर्स्ट रिलीज होगी। उसके बाद तो आप सबको पता है 25 जनवरी को SRK भाई की पठान आने वाली है। वो फिल्म काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी और अच्छी खासी उम्मीद है मुझे उससे कि वो फिल्म बहुत अच्छा करेगी। उम्मीद है शायद वॉल्टियर वॉरियर और रवि तेजा और उनके फैंस के लिए अच्छी साबित हो। वैसे रवि तेजा की रिसेंटली जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं वो कुछ अलग से हट के नहीं कर पाई। तो उम्मीद है, आई होप कि ये फिल्म उनके लिए अच्छी हो। तो ये थी कुछ न्यू अपडेट आने वाली मूवीज़ को लेकर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये थी कुछ न्यू अपडेट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद फिल्मी अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।